स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फिजिक्स क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 2 साउंड है, ठीक है। उसके अंदर आज जो हमने देखा है उसके अंदर क्या है कि इंटेंसिटी क्या है। कल हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो है लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपको एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कौन सी है और पहले तीन को हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज जो है ये हमारा क्या है नेक्स्ट है इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं और इसकी जो है एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, इसका ऐसा यूनिट लिखें, तो ये आपके बोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, ऑल्सो ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल फॉर्म। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि ये आपका क्वेश्चन है डिफाइन इंटेंसिटी, ठीक है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी लेवल, क्या है इंटेंसिटी लेवल के लिए आप इसके एक्सप्रेशन भी डिराइव करें। तो सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। तो बेसिकली आपके पास क्या है साउंड एनर्जी है, क्या है आपके पास क्या है साउंड एनर्जी है, जो कि क्या करती है आपके पास एक एरिया है, ठीक है, जो कि 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और साउंड एनर्जी अगर 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, ठीक है, अगर उसमें से क्या है पास आउट होती है, वो एनर्जी जो पास आउट होगी उसको हम क्या कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। इसके अंदर क्या है देखिए, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, क्या है पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर, क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद क्या है ये 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितनी एनर्जी क्या पास आउट होती है, लाइक कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये मैं डायग्राम में समझाता हूँ कि इसके अंदर यह है कि आपके पास जो एरिया है वो क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, क्या आपके पास जो प्रोपेगेशन आप जो वेव हो रही है जो साउंड हो रही है उसके क्या परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे देखिए ये मैंने ड्रा किया है, ये आपके पास है साउंड वेव, क्या है ये साउंड जो है मूव कर रही है। अब ये देखिए ये आपके पास है एरिया, अगर 1 सेकंड के अंदर साउंड एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है अगर उसमें से पास आउट होती है, और ये जो आपके पास कंडीशन है कि ये जो आपके पास एरिया है ये क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए ये परपेंडिकुलर हो इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, तो तब आपके पास क्या होगी जो एनर्जी पास आउट होगी उसको हम क्या कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड में ये भी आपके पास एक क्या है फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम क्या है एक्यूरेटली जो है वो मेजर किया जा सकता है। इसलिए आपके पास क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इसका जो यूनिट है इसका यूनिट क्या है आपके पास वाट पर मीटर स्क्वायर, क्या है ये वाट पर मीटर स्क्वायर के इसका क्या है ऐसा यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो आपके पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल उसको जो हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसके लिए, उसके पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि देखिए हमारा जो कान है, ठीक है, हमारा जो एयर है वो क्या कर सकते हैं कि जो उसकी हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है जो हम आवाज सुनने की जो सलाहियत है वो कान तक है वो आपके पास 10^-12 to 1 W/m² ही आपके पास एक रेंज है। इस रेंज के अंदर क्या है कि हम जो है आवाज को सुन सकते हैं और ये आपके पास इतनी क्या है रेंज है कि इसके अंदर ये इतनी ज्यादा है कि अगर ये क्या है हमारे कानों के लिए जब हम सुनेंगे तो उसके लिए भी ये क्या है पेनफुल हो सकती है। उसके बाद ये क्या आपके पास 10^-12, अब इसके अंदर देखें हमने रेंज यूज की, एक आपके पास है लोअर वैल्यू एक क्या है अपर वैल्यू। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास है 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर ये आपके पास है फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फेंटेस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसको हम क्या करते हैं सुन सकते हैं इससे नीचे नहीं सुन सकेंगे। तो ये क्या है फेंटेस्ट मतलब कम से कम आपके पास क्या है ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जिसको हम सुन सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं ये आपके पास क्या है जीरो वैल्यू कहते हैं मतलब इसको रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी जो कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने बताया